तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आप लोग कैसे हो? बढ़िया, सब बढ़िया। तो भाई, जर्नी हमारी स्टार्ट हो चुकी है जमशेदपुर से दिल्ली की। और आई होप आपने हमारी दिल्ली से जमशेदपुर की वीडियो देखी होगी और मज़ा आया होगा, थोड़ा बहुत तो आया ही होगा। तो बाकी हम लोगों ने ज़्यादा कुछ इस बार किया नहीं, बट भाई दिल्ली से जमशेदपुर आने का जो चैलेंज था ना, वो हमने पूरा कर लिया है। अब है अपनी टाटा पंच पे, इंडिया की फर्स्ट टाटा पंच पे, है ना? इंडिया की फर्स्ट स्टार्टअप बन चाहे। तो अब भाई निकल गए हैं, आज डेट है 19th of August, हम आए थे 30th of July को, है ना? 30 जुलाई को आए थे, 30th of July को आए थे हम यहाँ पर, 20 दिन रहे हैं। तो अब निकल गए हैं और आज है 19th of August। और अब अबे देरी क्या हो गया, एक मिनट, 19th of August 7:22। एज यूजल हमको निकलना था 3 बजे, हम निकल रहे 7:30 बजे भाई। तो भाई ये अपनी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। और देखो सामने बिरसा मुंडा गेट, जमशेदपुर वेलकम्स यू। अब जमशेदपुर को हम थोड़े टाइम बाद मिलेंगे। तो जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, 7:30 बजे हम लोग निकले हैं। प्लानिंग है आज हमारी, इस बार हम लोग वाराणसी वाले रूट से जाएंगे। तो आज का जो हमारा टारगेट है वाराणसी होने वाला है। होप सो कि हम टाइम से पहुंच जाएं। तो देखते हैं वाराणसी में भी घूमेंगे, वो तो टाइम पर डिपेंड करता है। तो चलो यहाँ से निकलते हैं और जमशेदपुर से दिल्ली की जर्नी में आप लोग हमारे साथ रहना। तो लेट्स गो। तो भाई हाईवे पे आ गए हैं अभी, और देखो हमने डाला है आजमगढ़, जो दिखा रहा है 12:03। और मैं MIDB दिखाता हूँ, दिख रहा है 15 की माइलेज दिखा रहा है सिटी मोड पे। और आज हमें चलना है 577 किलोमीटर, ये आजमगढ़ डाला है। देखते हैं बाकी, अगर वाराणसी पहुंच पाए तो। बाकी भाई नज़ारे देख रहे हो आप, एकदम मक्खन हाईवे बना हुआ है। और सामने देखो क्या मस्त व्यू है, बढ़िया यार। तो भाई हम लोग हैं कहाँ पे है? हम लोग अभी है औरंगाबाद पहुंचने वाले हैं। और भाई रास्ते में ना मैं भूल ही गया कि मुझे आप लोगों को अपडेट भी देना है। हम लोग 7:30 बजे चले थे और अभी हो रहे 2:45। भाई इतनी देर तक ना मैं भूल ही गया कि मुझे व्लॉग भी बनाना है, मतलब हम लोग खींचे जा रहे थे। क्योंकि आज का क्या है ना कि आज का जो रूट है वो 60-70% ठीक है, बाकी सिटी के अंदर से निकाल रहे थे हम लोग, तो थोड़ा टाइम थोड़ा ध्यान देना पड़ रहा था। बट मैंने रियलाइज किया, मैंने व्लॉग ही नहीं किया। बट अब बता देता हूँ कि 7:30 बजे निकले थे, 2:45 हो रहे हैं और हमने 350 किलोमीटर कर लिया है, नहीं ज़्यादा कर लिया है ना, 400 कर लिया है, 400 अराउंड हमने कर लिया है। 8, 9, 10, 11, 12 कैलकुलेट करना, 7-7.5 घंटे में हमने 400 किलोमीटर कर लिया है। अभी वाराणसी बचा है, अभी हम लोग औरंगाबाद में रुकने वाले हैं। 200 किलोमीटर तो चलो चलते हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है ना, ये है औरंगाबाद। औरंगाबाद दिखा रहा है 38 किलोमीटर, 45 मिनट्स लगेंगे 38 किलोमीटर्स में। बाकी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि MID में ना माइलेज 15.4 दिखा रहा है। अब पता नहीं सही है ये, पर सही है या नहीं आई डोंट नो, इससे तो ज़्यादा ही देरी होगी। देखो सिटी मोड पर 15 दिखा रहा है, इससे ज़्यादा ही देरी होगी माइलेज, पता नहीं इसमें क्यों दिखा रहा है। बट ठीक है, क्योंकि हमने फुल टैंक कराया था ना, फुल टैंक में 400 चल गई है और अभी भी 4 पॉइंट बाकी है। जो भी फाइनल निकल के आता है कैलकुलेशन में मैं आपको बता दूँ। चलो अब चलते हैं, फिर आगे कुछ होगा तो आपको दिखाएंगे। बाकी ऐसे रोड है भाई, रोड तो एक मतलब सीनरी वाइज तो ऐसे ऐसे रोड है ना कि बस आप लोग सोचोगे कि भाई कहाँ ही आ रहे हैं। तो भाई हम लोग पहुँच गए हैं औरंगाबाद में, ठीक है। तो अब औरंगाबाद से बचा है 150 किलोमीटर अराउंड, 160-150 किलोमीटर बचा है। 4 घंटे दिखा रहा है ना, 170 किलोमीटर 170 और 4.5 घंटे मतलब 8 बजे तक। तो देखते हैं भाई, अभी हमने सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद कुछ खाया नहीं है, तो अभी थोड़ा खाते पीते हैं। हाईवे ख़त्म हो गए हैं, अब ये ऐसे वाले रास्ते आ गए हैं, यहाँ पे डिस्टेंस खींचने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो ये था अपडेट और टाइम हो रहा है 3:30, 15.5 की माइलेज आ गई है भाई।
तो भाई देखो, अच्छे अगर हाईवे पे चलते चलते गूगल मैप ने कहाँ घुसा दिया, औरंगाबाद के सिटी के अंदर, सिटी या गांव जो भी कह लो। अब यहाँ से हाईवे पे दोबारा से कनेक्ट कर रहे हैं, बट इसी बहाने औरंगाबाद का, इसी बहाने हमें अंदर से औरंगाबाद देखने को भी मिल गया। चलो बढ़िया है, अब जा रहे हैं बाहर फिर से। देखो सामने हाईवे, यार क्या वेदर देख रहे हो ऊपर, क्या मस्त लग रहा है आसमान। और ये है औरंगाबाद की गलियां। तो फिर से आ गए हाईवे पे, हाईवे पे सॉरी, और 4 घंटे 22 मिनट, 4 घंटे 22 मिनट 170 किलोमीटर ऐसे रास्ते पे चल रहे थे। ये सही है, अभी अंदर जब अंदर चले गए थे ना, तो भाई ऐसा लग रहा था कि कहाँ चले गए यार। इस रास्ते पे डिस्टेंस आप कवर कर सकते हो बढ़िया। तो भाई हम लोग चले अराउंड 450 किलोमीटर, 500 किलोमीटर चल दिए हैं। और सुबह से ना एक मिनट थोड़ा गड्ढे हैं, एक चीज़ ध्यान दूँ। देखो कितनी माइलेज दिखा रहा है, 20.4, और अभी तक ना 15.5 ही दिखा रहा था। अब इसमें एक दिक्कत क्या है ना, कि इसका जो माइलेज है ना वो एक जगह पे आके अटक जाता है, तो हर बार रीसेट करके देखना पड़ता है। और जब आज हम निकले थे ना, मैंने रीसेट नहीं किया था। अब देखो यहाँ पे जो किलोमीटर था वो भी 0.9 आ रहा है, और 17.6 हो गई है। ओ तो भाई अभी हम पहुँच गए सासाराम, और ये देखो यहाँ पे पहाड़ ना कितने पास में है। देखो कैसे कितने मस्त पहाड़ लग रहे हैं, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन, और कटिंग देखो ना कैसे है पहाड़। हाँ, और पहाड़ कैसे कटे हुए हैं यार, मस्त लग रहे हैं यार। मैं तो ग्रीनरी देख के तो मैं, इट्स नॉट ग्रैंड कैनियन बट समवॉट लाइक दैट, इट लुक्स लाइक ग्रैंड कैनियन। अब देख दिखा दो लोगों, यहाँ पे क्या मंदिर है, मंदिर अरे भाई यही तो रीजन नहीं है शायद, मंदिर वंदिर है यहाँ पे। ओके बाकी देखो, आप देखो पहाड़ देखो कैसे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पुराने जमाने के वो एंशियंट टाइम के इजिप्ट वगैरह में होता है ना। What? Repeat, please. पहाड़िया काट के रास्ता बना दिए हैं, बढ़िया रास्ता बनाया है। वही पहुंच गए वाराणसी, और 4.2 किलोमीटर बचा है, 19 मिनट, और यहाँ पे थोड़ा जाम लगा हुआ था। टाइम हो रहा है 8:34, हम निकले थे 7:30, 13 घंटे हो गए, और 13 घंटे में हम लोग पहुँचे हैं वाराणसी। तो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है हमारा होटल, तो अभी चलते हैं होटल, देखते हैं और चेक इन करते हैं, फिर आपको थोड़ा दिखाते हैं रूम वगैरह। बाकी ये है महाकाल की नगरी, बनारस शहर। तो भाई ये है बगल में बनारस का रेलवे स्टेशन, तो अगर आप ट्रेन से आते हो तो आप यहाँ उतरोगे, और यहीं से हम जा रहे हैं सीधा अपने होटल की तरफ। 2.6 किलोमीटर बचा, और ये है रेलवे स्टेशन बनारस का। The next day. Welcome back. तो गाइज कल रात को हम लोग पहुंच गए थे वाराणसी, और होटल का नाम क्या है इसका, होटल जानकी इन में हमने चेक इन कर लिया था। और ये है रूम, देखो ये बेड है, वॉशरूम है, ये अलमीरा है, एक बेड हमने यहाँ लगवा लिया था। तो ये रूम है, और बाकी बाहर का नज़ारा ये है। और एक मैं गाड़ी दिखाता हूँ, बाहर का नज़ारा है, और वो खड़ी हमारी गाड़ी, भाई बहुत गंदी हो रही है देखो ये। तो कल रात को यहाँ पे आके हमने चेक इन कर लिया था, और हम लोग पहुँचे थे अराउंड 9:30, फिर उसका जल्दी से खाना खाने गए क्योंकि किचन का टाइम ख़त्म होने वाला था। तो बस जल्दी जल्दी आया, उसके बाद भाई जो हम सोए ना, मतलब लेट पर नींद आ गई। तो बस अभी निकल रहे हैं, टाइम हो रहा है 6:30 हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से अभी 850 किलोमीटर बचा है।
तो निकलते हैं और आपको दिखाते हैं वाराणसी के थोड़े से नज़ारे, क्योंकि रात को अंधेरा हो गया था तो आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाए थे। बिल्कुल मेन रोड पे है, मेन रोड पे है, बाहर से आपको दिखाता हूँ। और वो गाड़ी खड़ी है वहाँ पे, क्योंकि बाहर पार्किंग नहीं थी, बट चलो ठीक है। तो चलो सामान हम पैक कर लिए, ज़्यादा हम लेके आए थे, अब निकलते हैं और करते हैं अपनी जर्नी की शुरुआत। लेट्स गो, चले चलते हैं। तो भाई ये था होटल जानकी इन, यहाँ पे चेक इन किया था हमने, रोड पे मिल गया था मतलब, तो हमने ऑनलाइन बुकिंग की तो यहाँ पे मिला, बाकी गाड़ी उधर खड़ी है। तो अभी थोड़ा पेमेंट वेमेंट करते हैं उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। देखो गाड़ी की हालत भाई, देख रहे हो कितनी गंदी है। बहुत सड़ रही है भाई, बहुत गंदी हो रही है। चलो थोड़ा कपड़ा वपड़ा मार के निकलते हैं। तो भाई ये है वाराणसी की गलियां, टाइम हो रहा है 6:00 आ गया 6:49। टोटल डिस्टेंस है 854 किलोमीटर और सुबह सुबह हम लोग निकल चुके हैं 7:00। बस हमने 6:00 का डिसाइड किया था निकलने का, लेकिन 1 घंटा लेट हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है। आज कुछ 100-150 किलोमीटर के बाद हाईवे से सिर्फ भगाना है, मतलब कंटिन्यूसली चलानी है। तो भाई ये है वाराणसी। तब बस ये है कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हो सकता है यहाँ पे आए हैं तो एक बार काशी विश्वनाथ मंदिर वगैरह जा पाएँ, लेकिन उसके लिए स्पेशल आना पड़ेगा क्योंकि जर्नी बहुत लंबी हो जाती है। तो बस चलते हैं और आपको दिखाते हैं आज की जर्नी। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो भाई चाय तो पी लिए, खाने पीने का तो कुछ नहीं था, लेकिन चाय पी लिए तो थोड़ा सा आंखें खुल गई है। तो भाई चाय पी के निकले थे तभी हमको मिल गया हमारा फेवरेट इडली और वड़ा। तो अभी इडली वड़ा एंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। मज़ा आ गया भाई सुबह सुबह इडली वड़ा खा के। तो भाई फाइनली हम लोग 200 किलोमीटर के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस में एंटर कर चुके हैं। अब यहाँ कटेगा टोल भाई, पूर्वांचल एक्सप्रेस में टोल तो लगता है, लेकिन भाई रोड ऐसे मिलते हैं ना मक्खन भगाए चले जाओ, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि कोई बात नहीं भाई टोल ले लो, लेकिन रास्ते साफ दे दो। तो भाई बस यही है, ये यहाँ से हम लोग एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पे क्या होता है ना, तो भाई पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी क्या है ना कि जैसे लेट्स सपोज हमने यहाँ से यहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे एंट्री कर ली है, अब जहाँ भी हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को छोड़ देंगे उस पर कितना 2.5 किलोमीटर है उस पे किलोमीटर्स के हिसाब से, पर किलोमीटर 2.5 रुपये जो होगा उसके हिसाब से 2.5 रुपीज़ जो होगा उतने किलोमीटर के हिसाब से कट जाएगा। मतलब नॉर्मली क्या होता है ना कि टोल पे 70-80-200 ऐसे कटता है, बट इसमें ऐसा नहीं है, जितना किलोमीटर आप चलोगे उतने किलोमीटर पे 2.5 से मल्टीप्लाई करके कट जाएगा। तो अब यहाँ से अब हम एंट्री कर गए हैं, देखो ये यहाँ से लेफ्ट लेते ही, अब इसके बाद हम सीधा लखनऊ एक्सप्रेस वे टच करेंगे। तो लखनऊ एक्सप्रेस वे तक जितना भी होगा वो हमारा टोल कट जाएगा। तो 682 किलोमीटर बचा है 8:58, और देखो ग्रीन हो गया, अब ये पूरा रास्ता खाली आप सीधा बस भगाए चले जाओ। एक चीज़ और है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में ना ज़्यादा रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है, तो वो हमको लखनऊ एक्सप्रेस वे में मिलेंगे। तो अभी 9:40 का तो खाना पीने में वहीं करेंगे, बाकी अब देखो अब इतना बढ़िया वाला रोड आ गया ना, सीधा लखनऊ 123 किलोमीटर सीधा भगाए चले जाओ बस। और यहाँ पे गाड़ियों की लिमिट है 100 किलोमीटर पर आवर की गाड़ियों की लिमिट है यहाँ पे, ऐसे नहीं कि आप 200-250-300 बजा लोगे। तो भाई लखनऊ में हम लोगों ने एंटर कर लिया है और 554 किलोमीटर बचा है। तो भाई लास्ट के कितने 230 किलोमीटर हमने दो घंटे में कंप्लीट किया है, 230 किलोमीटर 2 घंटे में। मतलब एक्सप्रेस वे ऐसा है ना यार कि आप बस सीधा भगाए चले जाओ और जो डिस्टेंस है ना ऐसे ख़त्म होता है। तो बस अब लखनऊ की सिटी में थोड़ा सा आप घुस जाएंगे लखनऊ होते हुए, उसके बाद लखनऊ एक्सप्रेस वे आएगा, फिर उसके बाद फिर से अपनी जर्नी वही वाली स्टार्ट हो जाएगी सिर्फ भगाने वाली। बाकी भी लखनऊ में अभी भी 550 किलोमीटर है और 7:26 दिखा रहा है। तो भाई अब गाड़ी तुम्हारा भाई चलाएगा,
और ये है लखनऊ। और मैंने एक चीज़ दिखाने के लिए वीडियो बनाई है कि अभी ना ये 16.2 की माइलेज दिखा रहे हैं। पता नहीं मेरे को ना ऐसा फील हो रहा है कि जब से हमने सर्विस कराई है ना तब से इसकी माइलेज थोड़ी कम दे रही है। तो मैं एक बार सर्विस सेंटर जाके ये बात पता करता हूँ कि भाई ऐसे क्या कर दिया उन्होंने। पता नहीं कुछ ECU ही अपडेट हुआ था। बाकी चलो वो तो ठीक है। दिल्ली बचा 502 किलोमीटर और इसके अकॉर्डिंग 542। तो भाई लखनऊ के टुंडे कबाबी तो नहीं मिले क्योंकि हम लोग बाहर बाहर से आ गए और अभी हम एंटर करने वाले हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। तो क्या है ना कि जो मैप है वो लखनऊ के बाहर बाहर से ले आया और यही था कि हमको पहुंचना है ना आज शाम तक। तो हम लोग अंदर की तरफ गए नहीं है तो बस अब हाईवे लग जाएगा तो वही कुछ खाएंगे। टुंडे कबाबी का सपना टूट गया। कैसा लगा टुंडे कबाबी? वैसे भी खाएंगे हजरतगंज जाना। ऐसा क्या वो अंदर होगा? कोई नहीं भाई दोबारा आ जाएंगे कभी ना कभी तो आएंगे। तो भाई लखनऊ एक्सप्रेस वे पे बीच में ना ये वाला एरिया आता है। देखो ऐसे वाइट वाइट मार्क्स मिल जाएंगे। ये पता है क्या है? तुम पता क्या है? ये क्या है बताओ? किसने बताया? तो ये एयर स्ट्रिप है। यहाँ पे ये बना इसलिए था कि अगर कभी इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़े या टेक ऑफ करना पड़े तो यहाँ पे कर सकते हैं। बस कुछ सिक्योरिटी के रीजन था ना कुछ इमरजेंसी के टाइम पे कहीं अगर जरूरत पड़े और अपना जो ऑलरेडी एयरपोर्ट है हाँ उस पर कुछ हो जाए डैमेज हो जाए तो बैकअप के लिए। हाँ तो भाई अभी हम आ गए हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे। मतलब 350 किलोमीटर का लखनऊ एक्सप्रेस वे था वो कंप्लीट कर दिया हमने। टाइम क्या हो रहा है टाइम बताना? 4:30 हो रहे हैं और यहाँ से जो हमारी डेस्टिनेशन वो बची है कुछ अराउंड 200 किलोमीटर। तो हम लोग 7 बजे तक पहुँच जाएंगे। आज का जो मतलब 890 किलोमीटर था 890 कुछ था तो देखा है 13 घंटे में हमारा मोस्ट प्रोबेबली पूरा हो जाएगा। बाकी देखो ये अपना एक्सप्रेस वे चल रहा है ये सामने तो यही है। बाकी भाई एक चीज़ और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे यमुना एक्सप्रेस वे पर आपको खाने के बहुत कम सॉरी लखनऊ एक्सप्रेस वे एक्सप्रेस वे पर खाने के बहुत कम ऑप्शन है और पेट्रोल पम्प भी बहुत कम है। तो जब भी आप इन हाईवेज पर आओ ना तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी नोएडा एक्सप्रेस वे पर आपको खाने के ऑप्शन बहुत सारे मिल जाएंगे और पेट्रोल के ऑप्शन भी मिल जाएंगे तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अभी यहाँ से हम चल रहे हैं हम लोग जा रहे हैं गुड़गांव और गुड़गांव तक का रास्ता 200 कुछ किलोमीटर बचा है तो देखते कब तक पहुँचते हैं। तो भाई फाइनली हम लोगों ने नोएडा एक्सप्रेस वे को भी छोड़ दिया है। पहले हम लोगों ने प्लान किया था कि ग्रेटर नोएडा से होते हुए जाएंगे बट गुड़गांव जाने के लिए ना वो रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा पड़ता है। पहले ग्रेटर नोएडा फिर दिल्ली दिल्ली के बाद फिर गुड़गांव। तो मैप पे हम लोगों को रास्ता दिखा जो एक्सप्रेस वे को पलवल के थ्रू वेस्टर्न पेरिफेरल वे पे कनेक्ट करता है जो सोना रोड से लेके जाएगा आपको गुड़गांव। तो हमारे लिए ये ज़्यादा फीजिबल था। तो अभी हम लोग नॉर्मल वाले रोड पर आ गए हैं और अभी अराउंड 70 किलोमीटर बचा है और टाइम हो रहा है 7:12। तो 1.5 घंटा और लगेगा। तो बस यही अपडेट है। बाकी अब ऐसे नॉर्मल वाले रोड आ गए हैं ऐसे वाले। तो भाई ये देखो हम लोग पहुंच गए हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे। तो भाई क्या लग रहा है सामने देखो मैं दिखाता हूँ। इतना बढ़िया हाईवे बनाने वाला जब मुंबई तक चालू हो जाएगा ना लोग ऐसे बगात कुत्ते की बगात हो जाएंगे मुंबई हम भी जाएंगे ऐसी। तो भाई फाइनली पहुंच गए गुड़गांव और ये आ चुका अपना गुड़गांव। भाई 1400 किलोमीटर की जर्नी ख़त्म हो गई है भाई कर लिया हमने मज़ा आ गया। और यहाँ आके ना अपनी अपनी फील आ रही है थोड़ा सा। तो भाई जर्नी हमारी बहुत बढ़िया रही आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी जो भी है जैसी भी दिखाई है। बाकी अभी जैसे ही गाड़ी रुकेगी उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि माइलेज वगैरह क्या मिली हमको और किलोमीटर तो पता ही है कि 1400 किलोमीटर के अराउंड चली है। तो अभी देखते हैं अभी लास्ट में दिखाता हूँ आपको कि कितने किलोमीटर हम चले हैं और क्या माइलेज मिली है।
तो भाई फाइनली पहुंच गए हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे, और गाड़ी ने जो माइलेज दी है ना 17.1 की दी है, और भाई 17.1 की माइलेज काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें क्या है ना कि हम लोगों ने अच्छे से चलाई थी, मतलब 100 प्लस भी चली है, क्योंकि यार इतना अच्छा हाईवे है ना, दो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, बट अगर आप सेफ्टी से चलाते हो, अच्छे से चलाते हो, तो हाईवेज बहुत अच्छे हैं। और 1053 ये वाला जो है, 1053 मैंने बीच में रीसेट किया था, तो कुछ वही 1400 किलोमीटर के अराउंड ट्रिप बैठा था, और फाइनली भाई हमारा ट्रिप हो गया कंप्लीट, और अभी हम गुड़गांव में हैं, हमने अमन को छोड़ा है, अभी हम लोग अपने घर जाएंगे, तो उसमें तो क्या ही दिखाना। तो भाई आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि भाई कैसे कैसे एक्सपीरियंस रहता है, क्या क्या अगर आप लोग कभी जाते हो तो क्या क्या कर सकते हो आप। तो बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अब आपको अगली ट्रिप पे मिलेंगे, एक और ट्रिप मुझे लगता है बनेगी जल्दी ही, तो लेट्स सी। चलो बाय बाय, अगली वीडियो मिलेंगे, टेक केयर।